हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। और आप जो ये क्लिप देख रहे हो, ये तीज वाले दिन की है। उस दिन मैं पूरा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो बस कुछ ही क्लिप्स मैं यहाँ पे ले पाई थी। यहाँ पे देखो, लाडो और माधव को देखो, इतना बड़ा मुकुट पहन के बैठा है। इतना बड़ा तो खुद भी नहीं है। और यहाँ पे ना लाडो को थोड़ी सी ना कुछ ज़्यादा अर्पित नहीं कर पाई थी मैं उस दिन। मैं सिर्फ यहाँ पर लाडो को सिर्फ मेहंदी दे पाई थी, क्योंकि कहीं पे गए नहीं थे और बारिश हो रखी थी, तो मौसम भी ख़राब था। उससे पहले मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं कहीं मार्केट नहीं जा पाई थी। तो बस सिर्फ इतना ही कर पाई थी मैं। बच्चों को न्यू ड्रेस में यहाँ पे रेडी कर दिया था। उसके बाद दोपहर तक का सारा काम करने के बाद, खाना वगैरह सब कुछ जिम्मेदारी करने के बाद, यहाँ पर थोड़ी सी मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी कुछ खास नहीं लगी, इसलिए ज़्यादा मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं है। और यहाँ पे भी शाम के टाइम 5 बज गए थे। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रखा था, घटा हो रही थी, हवा चल रही थी थोड़ी सी, बाहर बैठाया था बच्चों को। तो यहाँ पे ना देखो, जो लोग बोलते हैं चौचले होते हैं सब, देखो आसमान देखो कैसे इनका वेलकम कर रहे हैं। और ये 5-10 मिनट बैठे थे, बस यहाँ पे बारिश आने लग गई थी, तब मैं यहाँ पे इनको भजन सुना रही थी झूले के। तो फिर उसके बाद इनको अंदर लेके आए। यहाँ पे शाम के टाइम फिर कचौरियाँ बनाई थी, यहाँ पे आलू उबाल लिए। शाम के टाइम का व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी उस दिन। और यहाँ पे बच्चों के देखो कपड़े बहुत सारे हो गए। यहाँ पे मैं फैब्रिक लेके आई हूँ, इसकी मैंने ड्रेस बनानी है बच्चों की। और जो कपड़े यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाए, वो धुलने के लिए मैंने इस बड़ा सा बाउल है, इसमें धोती हूँ ताकि अच्छे से धुल जाए। और क्योंकि ना हम वो चीज़ें यूज करते हैं कपड़े धुलने के लिए भी, कि जो हमने यूज ना करे हो बर्तन, वो तो ये जो बाउल है वो मैं इन्हीं के कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ। शायद मैंने पहले वीडियो में बताया ये चीज़, फिर से बता रही हूँ। मतलब साफ सफाई का हर चीज़ का पूरा ध्यान करना होता है। जो अनयूज्ड चीज़ें होती हैं वही ठाकुर जी के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए हो, या फिर खाना बनाने के लिए हो, या फिर खाना परोसने के लिए हो। यहाँ पे कपड़े धो दिए। ये नेक्स्ट डे का है, ये तीज वाले दिन का नहीं है, ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे कपड़े धो दिए सब इकट्ठे करके। मैं 5-4 जोड़ी कपड़े इकट्ठे करके तब धोती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं धोती। छोटे कपड़े होते हैं, संभालने की दिक्कत होती है, ध्यान रखना होता है बाहर गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए। कौवे वगैरह जो बाहर बैठते हैं उनसे भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे सब कपड़े सुखा दिए हैं धोकर, और यहाँ पे इन पे क्लिप्स भी लगा दूंगी ताकि ना ये गिरे ना बार बार। और छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जिस बाउल में कपड़े धो रही हूँ उसी में सुखा देती हूँ उसको, ताकि वो ना ऐसे छोटे कपड़े तो गिरे ना। ये बड़े कपड़े बड़े केशव के यहाँ पे सुखाती हूँ उतार पे, दुपट्टे वगैरह जो भी टावल वगैरह सब होते हैं, और यहाँ पे क्लिप्स लगा दिए ताकि ये सेफ रहें। अभी यहाँ पे ये सब करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे सब्जी बनानी है, और सब्जी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे मक्खन निकाला है। मक्खन निकालने के बाद आज जो है ना काफ़ी सारा मक्खन भगोना भर के हो गया था, तो उसको मैंने गर्म भी करना है। तो यहाँ पे उसको गर्म कर लिया था मक्खन को पहले से। और मक्खन निकालते हुए मेरे कपड़ों पर थोड़ा सा मक्खन और मट्ठा गिर गया था, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना हो जाता है कभी कभी, जल्दी में जल्दी काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। थोड़ा लेट हो गई थी मैं काम के लिए, लेट के आजकल यही चल रहा है मेरा, कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे होता ही नहीं है। पर मैं बस क्या करूँ, मैं मतलब कर नहीं, सोचती हूँ सुबह उठ के कि ये काम ये टाइम पे करूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ सिर्फ हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मक्खन निकाल लिया, कपड़े साफ़ किए अपने। यहाँ पे इस मक्खन को मैंने पूरे को गर्म करके, ठंडा होने के बाद यहाँ पे इस बाउल है, ये कांच का बाउल है, इसमें डेली यूज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा होता है, ये बाहर रखती हूँ। और जो एक्स्ट्रा होता है उसके लिए बड़ा डब्बा लिया हुआ है स्टील का, उसमें इकट्ठा करती हूँ। तो ये बड़ा बाउल यहाँ पे रहता है, ये कम से कम 4 किलो का होगा शायद, तो ये बाउल बाहर रहता है। तो ये यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है जो बचा हुआ था शाम का। यहाँ पे शाम को ये 5 बजे के बाद की क्लिप है। ये मैं यहाँ पे ना ड्रेस कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो शूट कर रही हूँ बाबू की, केशव की, क्योंकि ना उसके लिए कमेंट आए हुए हैं मेजरमेंट के लिए। जो पहली वीडियो मैंने डाली हुई है वो भी चल रही है अच्छे से, और नेक्स्ट कमेंट आ रहे हैं कि चोली का जो नाप है वो बताओ, तो उसकी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे। जिनको लगता है ना वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। अभी मौसम खराब है, थोड़ी सी बारिश हुई है अभी यहाँ पे, थोड़ी बारिश होकर निपटी है। मैं थोड़ा सा अंदर लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, मुझे पता नहीं चला, और बारिश आ गई, बाबू के सारे कपड़े भीग गए। यहाँ पे सारे कपड़े सुखा के गई थी धोकर, और जो बिछोने वगैरह हैं और जो ड्रेस है पहनने की वो सब भीग गई हैं। और क्या कहूँ, पता ही नहीं चला। टे हैं और साड़ी है सासू अम्मा की, उनको मुझे पीको करना है, पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ। पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है, घर का काम, यूट्यूब की वीडियोज़,
और जो भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह, दोपहर में एडिटिंग कर लेती हूँ, शाम को कर लेती हूँ ना, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ज़्यादा होता है तो ऐसा लगता है कि दिन छोटा है, और जब काम कम होता है जिस दिन, उस दिन लगता है कि दिन बहुत बड़ा है। तो आज मुझे दिन छोटा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा दिन और बड़ा होता तो मैं, थोड़े काम बाकी हैं, मैंने बाबू की ड्रेस कटिंग कर ली है और उसको सिल लेती मैं, लेकिन अभी शाम के काम का टाइम हो गया है। पहले 3-2 साड़ी और दुपट्टा पीको करना है मुझे, उसके बाद फिर शाम का खाना वगैरह बनाना है, तो अभी नहीं कर पाऊंगी, उसे कल करूंगी।